इस लैपटॉप के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है कि ये गर्म बहुत जल्दी होता है क्योंकि इसमें फ़ैन नहीं है, और ख़ासकर जब गर्मियाँ बढ़ जाती हैं, अप्रैल जून मई का महीना आता है, इसमें गर्मियाँ बहुत होती हैं, इसमें काम करना वेरी डिफ़िकल्ट होता है। कई बार कूलर मुझे अपने पे नहीं लगाकर लैपटॉप के लिए लगाना पड़ता है क्योंकि लैपटॉप बहुत गर्म होता है, तो मैं इस पे कूलर लगा देता हूँ तो मेरा काम बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको मैकबुक एयर M1 लेना चाहिए या मैक मिनी M2। देखो, अगर आपको पोर्टेबिलिटी चाहिए, आप चाहते हैं कि डिस्प्ले साथ में हो, कीबोर्ड साथ में हो, माउस साथ में हो, और आपको ऑल ओवर एक कंप्यूटर हाथों में चाहिए, सो मैकबुक एयर इज दी आंसर। उन लोगों के लिए मैकबुक एयर अच्छा है जिनको पोर्टेबिलिटी चाहिए, जो बहुत ट्रैवल करते हैं और जो हर जगह से काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैकबुक एयर सही है। भले ही थोड़ा सी परफॉर्मेंस डाउन है, बट मैकबुक एयर इज दी बेस्ट चॉइस। अब बात करते हैं मैक मिनी M2 क्यों लेना चाहिए। देखिए, हम बात करते हैं प्राइस की, मैं बात करता हूँ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स पे, और मुझे लगता है एप्पल का मैकबुक एयर M1 जो है वो अभी वैल्यू फॉर मनी है, और जब लॉन्च हुआ था तब भी वैल्यू फॉर मनी था। मैंने मैकबुक एयर M1 को लिया था 85,000 में, और आज की डेट में 65,000 का मिल रहा है, तो काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। अगर आप इसमें कुछ कार्ड्स ऑफर भी लगा लेते हैं एक्सिस बैंक से या SBI से, जो भी ये ऑफर करते हैं, तो आपको 3-4 हज़ार रुपये का डिस्काउंट और मिल जाता है, तो ये लैपटॉप आपको 62 का मिल सकता है। ऐसा मैंने अभी देखा था रिसेंट, जब इनकी सेल चल रही थी तब इतने में मिल जाता है ये। लेकिन जो मैक मिनी है वो आपको 55 और 50 में मिल जाता है जब आप कार्ड्स ऑफर इसमें लगा लेते हैं तो। लेकिन अब बात करते हैं कि कौन सी मशीन आपके लिए अच्छी है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर आप ट्रैवल करते हैं, ट्रेवल करने के साथ साथ कुछ काम करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मैकबुक एयर इज दी बेस्ट चॉइस, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि मैक मिनी क्यों लेना चाहिए। तो तीन चीज़ें हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। पहली बात प्राइसिंग, क्योंकि प्राइसिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है, वैल्यू फॉर मनी चीज़ को लेना अपने आप में एक थोड़ी सी हसल है। और दूसरा है परफॉर्मेंस, क्या हम जो प्राइस दे रहे हैं वो परफॉर्मेंस हमें उस प्रोडक्ट से मिल रही है कि नहीं मिल रही है। एप्पल का लोगो हम बाद में देखेंगे। और तीसरी बात है ड्यूरेबिलिटी, कि भाई जो चीज़ हमने ले ली है वो कब तक चलेगी, कब तक हम उससे काम कर सकेंगे। ऐसा नहीं कि आज ले ली और अगले साल तक वो ख़त्म, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए। और देखा जाए तो एप्पल के प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है, उनकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। मेरे कुछ रिसेंट एक्सपीरियंस हैं जहाँ पर मैंने दूसरे ब्रांड के लैपटॉप लिए थे, जैसे कि लेनोवो वगैरह जो भी होते हैं, उनके जो हिंजेस होते हैं, जहाँ से हम डिस्प्ले उठाते हैं और जो हिंजेस होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, और 2 साल में किसी लैपटॉप के हिंज ब्रेक हो जाएं, एक अपने आप में बड़ा डैमेज है। परफॉर्मेंस तो डाउन होता ही होता है, लेकिन हिंज डैमेज होना ऐसा लगता है कि आप 50,000 रुपये की क्या चीज़ ले ली, 2 साल में ख़त्म हो गई। तो वैल्यू फॉर मनी वाली बात अंत तक आनी चाहिए जब तक हम उस मशीन को यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हम परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं विंडोज मशीन के साथ। मान लो आपने एक पीसी बिल्ड किया है जो आपने i3 के साथ किया है, और i3 का जो पीसी मैंने बिल्ड किया है वो करीब इतने प्राइस पे बिल्ड हो रहा है, वो भी i3 का, जिसमें मैंने मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड ये सब नहीं लगाया हुआ है। उसकी पीसी बिल्डिंग की कॉस्ट ये आ रही है। क्या क्या कंपोनेंट्स मैंने यूज किए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारे कंपोनेंट्स मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं, और उसके हिसाब से हमारी प्राइस ये आती है। लेकिन परफॉर्मेंस क्या आता है अगर हम इसे M2 के साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि जो एप्पल का हम मिनी M2 लेने वाले हैं उसमें M2 चिप आएगी जो कि 8 कोर 8 थ्रेड की आएगी, जिसमें 10 कोर का GPU आएगा जो कि बिल्ट इन आता है, जिसे हम IGPU भी बोलते हैं। तो i3 का परफॉर्मेंस सिनीबेंच R23 पे आता है 1751, और वहीं पर M2 उससे थोड़ा सा कम है, मान लीजिए कि 9 या 8% कम है। और हम सिनीबेंच मल्टी कोर में देखते हैं तो मल्टी कोर में लगभग लगभग दोनों सेम है, 2-3% का फर्क है, तो ये छोटा सा फर्क है। प्राइस लगभग दोनों की सेम है, आप चाहें तो M2 पर जाएं और आप चाहें तो विंडोज या पीसी, कस्टम पीसी बिल्ड करें, बात सेम है। लेकिन अब बात करते हैं लैपटॉप के साथ, जो विंडोज के लैपटॉप आते हैं, तो हम i3 लैपटॉप यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं i5 लैपटॉप जो कि 12th जनरेशन है। तो i5 12th जनरेशन को हमने कंपेयर किया है M2 के साथ, जो कि एक लैपटॉप प्रोसेसर है एच सीरीज का, मतलब हाई परफॉर्मेंस सीरीज का प्रोसेसर है। तो हम स्कोर देखते हैं कि M2 है वहाँ पर कम आ रहा है, और i5 12th जनरेशन का एच सीरीज प्रोसेसर
काफ़ी अच्छा आ रहा है, लेकिन आप देखेंगे तो लगभग 18-17% का डिफरेंस है। लेकिन ये डिफरेंस भी है ना, क्योंकि लैपटॉप आपको पता है गर्म होता है, बहुत ही कॉम्पैक्ट मशीन होती है, उसकी कूलिंग सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता है। अगर कूलिंग सिस्टम इतना अच्छा है उसका तो बात अलग है, लेकिन कूलिंग सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, ऐसे ही आप उस पर कुछ हैवी टास्क डालोगे, मान लो आपने 1 घंटे की रेंडरिंग डाल दी, तो लैपटॉप गर्म होगा, गर्म होने के साथ साथ उसकी जो बेंचमार्क है वो रिड्यूस होते जाएंगे, समझ रहे हैं आप। और वहीं पे जो M2 है, अगर वो अपने आप को परफेक्टली कूल रख पाता है, अपने आप को गर्म नहीं होने देता है, तो उसका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहेगा, तो इन दी एंड M2 जीत सकता है, क्योंकि M2 में एक अच्छा फैन दिया होगा, अच्छा कूलिंग सिस्टम होगा। लेकिन बात करते हैं बेंचमार्क की, तो i5 जीत रहा है, और ये दोनों लगभग सेम प्राइस में आते हैं। चाहे तो आप वो लैपटॉप ले लें जो विंडोज का आ रहा है, तो लगभग 50 के अराउंड ही आते हैं, तो आप लैपटॉप भी कंसिडर कर सकते हैं। एक और बात मैं आपसे कह के चलता हूँ कि M2 का जो IGPU है वो काफ़ी बढ़िया है, उस पर आप बेसिक गेमिंग भी कर सकते हैं, और आपको वीडियो एडिटिंग और रेंडरिंग वगैरह में हेल्प करेगा। अगर किसी लैपटॉप में अलग से एक्सटर्नल ग्राफिक आता है, जैसे कि 3050, 2050, तो वो बात अलग हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे डेडिकेटेड GPU दिया जाएगा, तो उससे परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी। लेकिन किसी में नहीं आ रहा है, तो मान लीजिए M2 का ग्राफिक कार्ड सबसे बढ़िया ग्राफिक कार्ड है आपके लिए। लेकिन जो हमारा टॉपिक था MacBook Air M1 या Mac Mini M2, तो आप आ जाइए मेरी स्क्रीन पर, यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है। तो मैं बेसिक कलर कोड बता देता हूँ आपको कि ये जो चीज़ है ये इसमें प्लस पॉइंट है, और जो रेड है वो इसमें माइनस पॉइंट है, मतलब वो इसके कॉन्स हैं। और ऐसे ही यहाँ पे जो येलो में लिखा गया है वो इसकी पॉजिटिव साइड है, वो इसकी प्रोस है, और जो रेड में लिखा गया है वो इसके कॉन्स है, ठीक है। तो हम ये मान के चलेंगे, तो देखें तो प्राइस इसकी 50K है एंड इसकी 65, तो लगभग कोई डिफरेंस नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि हमें उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि हमें बैटरी लाइफ मिलती है, टच आईडी सिक्योरिटी मिलती है, साथ में एक अच्छी डिस्प्ले मिलती है, बढ़िया डिस्प्ले कलर एक्यूरेसी के साथ, अच्छी ब्राइटनेस है उसमें, तो डिस्प्ले मिलती है। साथ में हमें वेबकैम मिलता है, अगर हम जूम मीटिंग वगैरह करते हैं तो इवन 3 माइक्रोफोन मिलते हैं, जो हमारी कॉलिंग को, हमारी रिकॉर्डिंग सिस्टम को काफ़ी अच्छा बनाते हैं। और साथ में कीबोर्ड माउस जो बिल्टन आते हैं लैपटॉप में, वो हमें यूज में आते हैं, तो काफ़ी अच्छे हैं। और ट्रैक पैड मैकबुक का काफ़ी अच्छा है, नो डाउट। तो आपको अगर एक कॉस्ट देनी भी पड़ रही है, तो ये समझ लीजिए कि आप डिस्प्ले की कॉस्ट दे रहे हैं, इन सब की कॉस्ट दे रहे हैं। अब बात करते हैं मशीन की। यहाँ पे दोनों में 8GB रैम है, 256GB स्टोरेज है, लेकिन चाहे वो रैम हो चाहे वो स्टोरेज हो, दोनों ही इनसफिशियंट है, और कहें तो सफिशियंट भी है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा काम करते हैं। अगर आप वीडियो एडिटिंग नहीं करते हैं, आप बड़े और हैवी टास्क नहीं करते हैं, तो रैम सफिशियंट है, आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने मल्टीटास्किंग करना हो, क्रोम चलाना हो, बहुत सारी चीज़ें और करनी है तो कर सकते हैं, MS Word, MS Excel, जो भी आप चलाना चाहें चल सकते हैं। लेकिन क्या आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं? देखो भाई, मैं तो Air M1 यूज कर रहा हूँ, जिस पर वीडियो एडिटिंग भी कर रहा हूँ, फोटो एडिटिंग भी कर रहा हूँ, ग्राफिक्स भी बना रहा हूँ, मेरा काम ही यही है। और मैं मेरे PC पर नहीं करता हूँ, M1 पर करता हूँ, MacBook Air पे ही करता हूँ, और मुझे MacBook Air पे ही काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर खरीद रखे हैं, मैंने फोटोशॉप खरीद रखा है, मैंने मेरा वीडियो एडिटिंग कैमटेसिया खरीद रखा है, और मैं इन पे ही काम करता हूँ। मैं साथ में कैमटेसिया भी यूज कर लेता हूँ, साथ में वीडियो एडिटिंग कर लेता हूँ, मुझे इस रैम में कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक। मैं लगभग 3 साल से यूज कर रहा हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक। लेकिन जो लोग प्रीमियर यूज करते हैं, आफ्टर इफेक्ट यूज करते हैं, साथ में 4-5 ऐप्स और चलाना चाहते हैं, उस पर डावंची चलाना चाहते हैं, तो वो सोचते हैं भाई हम तो बहुत हार्ड कोर एडिटर हैं, तो हम तो सारे सॉफ्टवेयर चलाएंगे, क्योंकि डावंची में कलर ग्रेडिंग करेंगे, प्रीमियर में एडिट करेंगे, सीक्वेंस बनाएंगे, तो आफ्टर इफेक्ट में जाएंगे हम कोई भी इफेक्ट बनाने के लिए। तो इतने बड़े बड़े ऐप्स एक साथ एक रैम पर चलाना, ओनली 8GB चलाना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट को बड़ा कर लेते हैं तो फिर रैम की वो मैसेज आने लगते हैं कि यार रैम ज़्यादा कम है, बढ़ाओ रैम को। ऐसे ही स्टोरेज का है, जब आप मल्टीपल एप्लीकेशन ओपन करेंगे, लंबे लंबे प्रोजेक्ट उसमें डालेंगे,
तो स्टोरेज इनसफिशियंट का मैसेज भी आएगा, लेकिन खासकर मेरे को कभी ऐसा नहीं आया क्योंकि मैंने साथ में एक SSD यूज कर रखी है, तो मेरा काम SSD से चल रहा है। लेकिन जब भी मेरे को लगता है कि स्टोरेज कमी है तो मैं इसमें से डेटा निकाल कर SSD में डाल देता हूँ, इसको इसको फिर से खाली कर लेता हूँ, तो मेरा मैकबुक एयर M1 पे काम आराम से चल रहा है, मेरी जो भी क्लाइंट की वीडियो एडिट हो रही है वो भी हो रही है। हाँ, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं तो क्लाइंट का तक काम कर रहा हूँ, अगर आप खुद का काम करना चाहते हैं तो 8 GB RAM मेरे हिसाब से ठीक ठाक काम करती है, आपके लगभग सारे काम हो जाएंगे, आपकी सारी एडिटिंग हो जाएगी, मुझे इसमें कोई दिक्कत वाली बात लगती नहीं है। अगर आप जानबूझकर चीज़ों को बड़ा करना चाहते हैं वो एक अलग बात है, आप 20,000 रुपये की एक्स्ट्रा रैम ले सकते हैं, क्योंकि जो एप्पल रैम देता है अगर आपको 8 से 16 करनी है तो आपको 20,000 रुपये देने पड़ेंगे, ऐसे ही आपको स्टोरेज डबल करना है तो फिर 20,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो एप्पल की ये जो बात है कि रैम बढ़ाने पे 20,000 रुपये लग जाएंगे भाई साहब, तो वहीं पे अगर PC में रैम बढ़ानी हो तो 3,000 रुपये मिल जाती है, तो ये चीज़ मुझे वैल्यू फॉर मनी नहीं लगती है। लेकिन जो मशीनें दे रहे हैं साथ में 8 GB RAM के साथ वो काफ़ी बढ़िया है, तो मैं तो कहूँगा कि आपका ज़्यादा बड़ा काम ना हो तो 8 GB RAM के साथ जाना सही है। अगर आप फ्यूचर प्रूफ कुछ करना चाहते हैं, कोई और बड़ी मशीन लेना चाहते हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है, फिर तो आप जितना बड़ा मॉडल ले सकते हो वो ले लो, सही है ना। और हम तो वैल्यू फॉर मनी की बात कर रहे हैं, तो 8 GB RAM 256 GB स्टोरेज मोर देन इनफ है, आप एक्स्ट्रा SSD लगा लीजिएगा, और रैम मेरे हिसाब से सफिशियंट है क्योंकि मैं तो इसी पर लोगों का काम करके दे रहा हूँ, फोटोशॉप भी चला रहा हूँ, मेरी वीडियो एडिटिंग भी कर रहा हूँ, मेरा सारा काम लगभग इससे हो रहा है, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। अब बात करते हैं बैटरी लाइफ की, तो भाई देखो बैटरी लाइफ मैकबुक में मिलती है, इसमें नहीं मिलती है, ये तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी चलता है, जिस दिन आपकी लाइट नहीं आई उस दिन आप काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैकबुक चार्ज होगा तो उस पर कर पाएंगे। टच ID फिंगर से खुल जाता है वो लैपटॉप, ये नहीं खुलेगा क्योंकि आपको घर पे रखना है, आप इसे कहीं ले जा नहीं सकते, तो इसमें इतनी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन पासवर्ड आप डाल सकते हो, ये एक अलग बात है। साथ में आपको एक बेहतरीन डिस्प्ले मिलती है मैकबुक एयर में, सही है ना, और आपको इसमें डिस्प्ले लगानी पड़ेगी, आप मैक मिनी M2 में 2 डिस्प्ले लगा सकते हैं 4K की, बढ़िया है, 2 डिस्प्ले लगा सकते हैं, इसका बड़ा वेरियंट आता है उसमें आप 3 लगा सकते हैं। इसमें आपको वेबकैम मिलता है मैकबुक एयर में, तो वेबकैम काफ़ी टाइम यूज होता है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है वेबकैम होना, लेकिन मैक मिनी M2 में नहीं मिलता है। साथ में माइक्रोफोन, मुझे सच बताऊँ तो मैकबुक एयर के जो माइक्रोफोन हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने जितनी भी जूम मीटिंग की हैं या जितनी भी मैंने मीटिंग की है ऑनलाइन, उनमें मैंने कभी एक्सटर्नल माइक या माइक्रोफोन, हेयरफोन, हेडफोन कुछ यूज नहीं किया, लैपटॉप से डायरेक्टली अच्छे से बात हो जाती है, मुझे इसमें कोई कभी इशू नहीं आया। दोनों में वाई फाई 6E मिलता है, वीलू 0.53 इसमें मिलता है M2 में, और इसमें 5E मिलता है, पावर कंजप्शन Mac 2 ज़्यादा करता है और वहीं पर लैपटॉप कम करता है जो कि एयर M1। बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की, जो मैक मिनी M2 है वो ज़्यादा ड्यूरेबल है क्योंकि आप उसे एक जगह पर रखे रहेंगे, बार बार उसको उठा के कहीं ले जाने वाले नहीं हैं, और ले जाएंगे भी तो वो अच्छा सॉलिड बिल्ड है, उसको आप बार बार तो नहीं ले जाएंगे, ये तो पक्की बात है, लेकिन लैपटॉप हम बिस्तर में भी यूज कर रहे होते हैं, कहीं भी ले जा रहे होते हैं, कहीं भी जा रहा होता है, तो एज ड्यूरेबिलिटी लैपटॉप की थोड़ी कम होगी, तो मैकबुक की ड्यूरेबिलिटी कम होगी कंपेयर टू मैक मिनी M2। चलो ड्यूरेबिलिटी हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन मैं एक बात आपको सोल्टी के साथ कह सकता हूँ कि जो मैकबुक एयर की ड्यूरेबिलिटी है वो विंडोज लैपटॉप से काफ़ी अच्छी ड्यूरेबिलिटी है, जितना विंडोज लैपटॉप नहीं चलेंगे उतना आपका मैकबुक चलेगा, मुझसे लिखवा के ले लो आप, बहुत बढ़िया चीज़ है बिल्ड क्वालिटी में, तो ये मैं 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आई है, और मैं ये चीज़ भी अवॉइड करता हूँ कि बार बार इसको फ्लिप करूँ और ये सब चीज़ें, मेरे पास है डेस्क पे रखा हुआ है सिस्टम, साथ में एक्स्ट्रा मॉनिटर लगा हुआ है, बात बन रही है मेरी अच्छे से, तो मैं काम कर रहा हूँ। अब एक मेन बात है कि जब आप एप्पल के प्रोडक्ट लेते हैं तो सॉफ्टवेयर फ्री मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ऐसा नहीं कि मिलते नहीं है, मैंने काफ़ी टाइम तक फ्री चलाए सारे सॉफ्टवेयर, लेकिन एक टाइम मुझे लगा कि मुझे सॉफ्टवेयर ले लेने चाहिए, तो फिर मैंने ले लिए, लेकिन डिफरेंस बहुत अच्छा रहा। जब हम फ्री सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो बहुत बार सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाते हैं और उनके कोई अपडेट भी नहीं आते कि वो फिक्स हो जाए, तो ये सब हमें प्रॉब्लम आती है क्रैक वर्जन में, लेकिन जब खरीद लेते हैं तो आपको परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है सॉफ्टवेयर में, क्योंकि वो बार बार ऑप्टिमाइज करते रहते हैं आपके अकॉर्डिंग, तो ये बढ़िया चीज़ है। लेकिन आप पीक परफॉर्मेंस चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर खरीद कर यूज करें,
आपको डिफरेंस दिखेगा कि हाँ परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा मिलता है जिन सॉफ्टवेयर को हम खरीदते हैं उनसे। अब बात करते हैं कि इसमें आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंस होगा इस मशीन को लेने के बाद, वो हो सकता है 15 से 20 हज़ार रुपये का, जहाँ पे आप एक कीबोर्ड लेंगे, एक माउस लेंगे। तो डिपेंड करता है कि इन चीज़ों में भी आप कितना खर्चा करते हैं, आप कितना भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन एक बेस लाइन होती है कि कम से कम आपको 15 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। मान लो कि आप 10 का मॉनिटर ले रहे हैं, 2-3 हज़ार रुपये के माउस कीबोर्ड ले लेंगे, एक आध वेबकैम या माइक्रोफोन ले लेंगे, हेडफोन ले लेंगे, तो बस ये आपका एक्स्ट्रा खर्चा होगा। लेकिन मशीन आपको एक ड्यूरेबल मिलेगी। अगर आप बैठ के काम करना पसंद करते हैं तो बैठ के काम करना सही रहता है किसी भी सिस्टम पे, लेकिन आप पोर्टेबिलिटी चाहते हैं तो मैंने बता ही दिया पहले से ही। लेकिन एक बात चीज़ है कि ये जो है यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सी है कि जो एप्पल M1 जो मैं भी यूज कर रहा हूँ, मैकबुक एयर M1, और जो आप भी लेने वाले हैं, उसमें कोई फ़ैन नहीं है। अगर आपको फ़ैन की आवाज़ बेकार लगती है, गुन गुन वो बेकार लगती है ना, तो ये लैपटॉप बढ़िया है। लेकिन आपको अपने सिस्टम को कूल करने के लिए फ़ैन चाहिए ताकि आपका परफॉर्मेंस ना गिरे, तो फ़ैन होना ज़रूरी है। लेकिन फ़ैन नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने सिस्टम को कूल रखना पड़ेगा। चाहे तो आप कैसे भी कूल रखिए, लेकिन मैं कह सकता हूँ इस लैपटॉप का सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है कि ये गर्म बहुत जल्दी होता है क्योंकि इसमें फ़ैन नहीं है। और ख़ासकर जब गर्मियाँ बढ़ जाती हैं, अप्रैल जून मई का महीना आता है, इसमें गर्मियाँ बहुत होती हैं, इसमें काम करना वेरी डिफ़िकल्ट होता है। कई बार कूलर मुझे अपने पे नहीं लगाकर लैपटॉप के लिए लगाना पड़ता है क्योंकि लैपटॉप बहुत गर्म होता है, तो मैं इस पर कूलर लगा देता हूँ तो मेरा काम बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपके घर में एसी नहीं है और आप कूलर या पंखे में ऑपरेट करते हैं, तो पहला पंखा या कूलर आपको अपने लैपटॉप पर लगाना पड़ेगा गर्मियों में, तभी ये काम कर पाएगा मैकबुक एयर। तो मैंने भी ऐसे ही काम किया तो मुझे कुछ शिकायत भी नहीं है, क्योंकि मैंने खुद चुन के लिया था ना, इसमें पंखा नहीं है तो पंखा मुझे लगाना पड़ेगा। और जो आप मैक मिनी M2 लेना चाहते हैं, उसमें बढ़िया पंखा है जो आपका गर्मियों में भी काम चला देगा, इनकेस अगर आप उस पर कुछ लगाते नहीं हैं तो भी। लेकिन सिस्टम को कूल रखना और इस ब्रेन को कूल रखना दोनों को ज़रूरी है। अगर ये भी गर्म होगा तो ये भी काम नहीं करेगा, आपकी मशीन गर्म होगी तो वो भी काम नहीं करेगी। तो इसमें हमें एक पंखा मिल जाता है, एक कूलिंग फ़ैन मिल जाता है, उससे बहुत बढ़िया होता है कि आपका परफॉर्मेंस गिरेगा नहीं, भले ही आप उस पर कुछ हैवी टास्क कर रहे हैं, रेंडरिंग कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक वीडियो रेंडर पर लगाई मैकबुक एयर पे, तो वहाँ पर 1 घंटा लगने वाला है रेंडर होने में, तो मेरा ये लैपटॉप जो है 5 मिनट में गर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके जो रेंडरिंग टाइम है वो 1 से 1.5 घंटा हो जाएगा, और 2 घंटा भी हो सकता है क्योंकि मशीन गर्म हो चुकी है। अगर आप उसे कूल रख पाते हैं तो वो 1 घंटे के अंदर ही हो जाएगी। और रही बात कूलिंग फैन के साथ में, जो M2 आता है उस पर आपने रेंडर की लगाई तो उसका पंखा तेज़ी से घूमेगा, और तेज़ी से घूमेगा और आवाज़ करेगा गन गन गन, मतलब जितनी कूलिंग आपके CPU को चाहिए होगी वो उस फैन से मिलती रहेगी। तो जो टाइम मैकबुक एयर में बढ़ेगा 1 से 2 घंटे हो सकते हैं, लेकिन वो टाइम M2 में नहीं बढ़ेगा क्योंकि M2 में एक कूलिंग सिस्टम दिया गया है। बस ये थोड़ा सा कंपेरिजन था। अगर आप बैठ के काम करने वाले हैं, आप नहीं चाहते कि आप कंप्यूटर के साथ ट्रेवल करें, आप इतने काम करने वाले नहीं बनने वाले हैं, आप चाहते हैं कि मैं मतलब बैठ के काम करूँगा डेस्क पे, जब तक काम करूँगा तब तक तन मन धन से काम करूँगा, लेकिन जब कंप्यूटर से उठ जाऊँगा तो बाहर तो मैं इसमें लाइफ इन्जॉय करूँगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ना कंप्यूटर चाहिए ना कुछ और चाहिए। तो ऐसे अगर आप हैं तो M2 मिनी आपके लिए बेस्ट मशीन है। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं तो ट्रेन में भी काम करूंगा, मैं तो जहां जा रहा हूं वहां पे भी काम करूंगा, तो मैकबुक एयर M1 सबसे बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप इसका प्रो वर्जन ले पाएं जिसमें फ़ैन आता है तो फिर वो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, फिर वो इस कंपैरिजन में नहीं आता है, क्योंकि ये बेस मॉडल और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट की कंपैरिजन है कि दोनों लगभग एक ही रेंज में आते हैं। क्योंकि इसको आप 65 में खरीद सकते हैं और 50 हज़ार का इसे लेकर और 3-4 चीज़ें और लेकर आप भी इसे 65 के अंदर बना सकते हैं, लेकिन 65 में बन जाने के बाद जो सबसे पावरफुल रहेगी वो रहेगी M2 चिप, क्योंकि यहाँ पे चिप का एडवांटेज है। यहाँ पे चिप का एडवांटेज थोड़ी सी ओल्ड जनरेशन चिप है उससे ही फ़र्क पड़ता है, लेकिन ओल्ड जनरेशन होने से मतलब ये नहीं है कि वो काम की चीज़ नहीं है, अभी वो भी काम की चीज़ है इस प्राइस में, और इस प्राइस में ये भी काम की चीज़ है। और ये देखना है आपको कि आपको क्या लेना है, आपकी क्या ज़रूरत है।